शकीरा के फादर फिगर यहाँ पर हैं भट साहब, और जिन्होंने अपने गीतों से, चाहे वो एक राधा एक मीरा हो या फिर शाम तेरी बंसी हो, ही हैज लिव्ड द मीरा सेंटिमेंट तक तो हमारे रविंद्र जैन साहब भी हैं, शेखर जी आप भी हैं, अजय जी, जिनकी वजह से ये संगीत से हट कर थोड़ा लिखने का ख्वाब पूरा होगा। भारो प्रणाम कहती हूँ मीरा की भाषा में, जिनमें मीरा भाव है, प्रेम भाव, मगन भाव, आनंद भाव, ये तीनों भाव, खास करके मगन भाव, क्या मानना है कि ये इज द की टू हैप्पीनेस। I always wondered what made a girl of the 20th century making a living out of living in the 21st century seek out Meera. I couldn't find an answer. There's a lovely poem which kind of explains the mysteries. No, it's not yours to open buds into blossoms. Shake the bud, strike it. It is beyond your power to make it blossom. Your touch soils it. You tear its petals to pieces and strew them in the dust. But no colors appear, and no perfume. Ah, it's not for you to open the bud into a blossom. Mere to girdhar ho paaye, dusro na hoye. Jaake sar ho rukte, mero pati soye. मीरा पिछले 500 साल से हिंदुस्तान में स्टार है। मेरा प्रयास है कि मीरा को इंटरनेशनल स्टार बनाऊं। मैं एक म्यूजिकल बना रही हूं मीरा एंड मी, जो मैं ब्रॉडवे पर परफॉर्म करना चाहती हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि मीरा का जो मगन भाव है, प्रेम भाव है, वो दुनिया की हर लड़की में है जो अपनी बुद्धि और मेहनत से अपनी पहचान बनाती है। एंड दैट इज व्हाई मीरा हैज़ अ यूनिवर्सल अपील, शी हैज़ एन इंटरनेशनल अपील। इसलिए कोशिश की है कि मीरा बाई की कविताओं को अंग्रेजी में अनुवादित करके उसका एल्बम बनाऊँ और उसके गानों पर एक नृत्य नाटिका सादर करूँ, मीरा एल्बम।